अभी हमको एक पत्रकार पूछ रहे थे कि गृह मंत्री ने कहा है माँ बाप ने कितना सुंदर नाम रखा है, नरोत्तम, नरों में उत्तम, और काम कैसा है, निकृष्टम। कैसे है निकृष्टम? निकृष्टम ऐसे है कि भाई तू सरकार चला रहे हो, 20 साल से तुम्हारी इस प्रदेश में सरकार है और तुम विपक्ष की तरह सवाल पूछ रहे हो, है दम चैलेंज करते हो यहां से खड़ा होकर के। इंदौर में दो गृह मंत्री है, चैलेंज करते हैं कि अगर हमने गलत किया है तो हमको इंदौर की जेल में डालो, अगर हमने गलत नहीं किया है तो देश को गुमराह करना बंद करो, देश से माफी मांगो, बकवास करना बंद करो। हमको मालूम है कि ये झूठ क्यों बोलते हैं। ये झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे सच का सामना नहीं कर सकते हैं। करेंगे हमारे सच का सामना? सच ये है कि इनका बेटा विदेश पढ़ने के लिए गया है, मामा का। और मामा के संदर्भ में मैं आपको बता दूं, मेरा नाम कन्हैया है और कन्हैया ने कंस का वध किया था और कंस भी मामा था। यह संदर्भ मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमको सच्चाई आंख खोल करके देखने की जरूरत है। इस प्रदेश में गरीब के लिए महाविद्यालय नहीं बनेगा, गरीब के लिए विश्वविद्यालय नहीं बनेगा, गरीब के लिए छात्रावास नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जब मुख्यमंत्री का बेटा विदेश पढ़ने के लिए जाएगा तो आदिवासी के लिए महाविद्यालय क्यों बनाएगा?